हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सुहेल दलाल और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कोरोना वायरस के इस दूसरी लहर ने हमारे देश में करोड़ों लोगों को इन्फेक्टेड किया है और लाखों लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पे आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ पोस्ट कोविड डाइट को लेकर। मैं आज आपको एक ऐसा डाइट चार्ट बताने वाला हूँ कि जिसमें जिन लोगों को कोविड इन्फेक्शन हो चुका है उन लोगों को ड्यूरिंग कोविड क्या खाना चाहिए, और जिन लोगों को कोविड का इन्फेक्शन होकर वो ठीक हो चुके हैं लेकिन उनको पोस्ट कोविड वीकनेस, लंग फाइब्रोसिस और बहुत सारे पोस्ट कोविड सिम्टम्स जिनको दिख रहे हैं, उन लोगों को जल्द से जल्द ठीक होने के लिए और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए किस टाइप का खाना कब और कैसे खाना चाहिए। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ पोस्ट कोविड डाइट चार्ट। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि जिन लोगों को कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ है, जो लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, उन लोगों के लिए हमने यहाँ पे एक डाइट चार्ट डिजाइन किया हुआ है जिसमें सुबह से लेकर रात तक उन लोगों को क्या क्या खाना खाना चाहिए कि जिससे उन लोगों की इम्यूनिटी अच्छे से बूस्ट हो जाए और वो जल्द से जल्द रिकवर कर पाए। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम सुबह में उठेंगे, जिन लोगों को कोविड इन्फेक्शन हुआ है सुबह उठेंगे तो ज्यादा गले में कफ का प्रमाण ज्यादा रहता है उस टाइम पे, तो सुबह उठ के सबसे पहला हमें ये करना है कि 1 से 2 ग्लास गरम गुनगुना पानी पीना है। गरम गुनगुना पानी सुबह उठ के पीने से कफ जो गले में जमा हुआ होता है वो इजीली डाइल्यूट होकर निकल जाता है। सुबह गरम पानी पीने के बाद सबसे पहला काम करना है 20 मिनट तक योगा करना है। 20 मिनट्स का जो योगा सेशन है वो आपको बहुत अच्छा, आपकी जो फेफड़े हैं उसको मजबूत करेगा। और 20 मिनट का ये योगा सेशन है उसमें आप एक डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, कपाल भाती कर सकते हैं और अनुलोम विलोम कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग, कपाल भाती और अनुलोम विलोम ये टोटल मिला के हमें 20 मिनट तक करना है। 20 मिनट के बाद हमें 10 मिनट तक सन बेदिंग करना है। सन बेदिंग का मतलब होता है कि सूरज की धूप में हमें सफेद कपड़े पहन के आराम से लेट जाना है। 10 मिनट आप सीधे लेट जाए और 10 मिनट आप उल्टे लेट जाए, इस तरह से हमें 20 मिनट तक सन बेदिंग करना है। 20 मिनट्स योगा और 20 मिनट्स सन बेदिंग करने के बाद आपको एक बढ़िया सा काढ़ा बना के पीना है। काढ़े में क्या करना है, हमें आधी चम्मच गिलोय, 4 से 5 पत्ते तुलसी के, थोड़ी सी छोटी सी कटी हुई अदरक का टुकड़ा, सिनेमन और उसके साथ साथ ब्लैक पेपर्स 2 यानी काली मिर्च 2, ये सबको हमें 1 कप पानी में उबाल के आधा कप करना है। उसके बाद उसे छान के उसमें एक चम्मच हनी मिक्स करके उसे सुबह खाली पेट पीना है। उसे खाली पेट पीने के बाद 1 घंटे तक बिल्कुल भी कुछ ना खाएं ताकि ये काढ़ा बॉडी में अच्छे से काम कर पाए दोस्तों। उसके बाद आप आंवले का जूस भी पी सकते हैं, याद रखें कि 1 घंटे तक आप कुछ भी ना लें। फिर दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेकफास्ट की। सुबह का ब्रेकफास्ट जो है वो हाईली न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट हमें लेना है। ब्रेकफास्ट के मैं आपको कुछ ऑप्शंस बता रहा हूँ। ब्रेकफास्ट का सबसे पहला ऑप्शन जो है वो बेसन का चीला है फ्रेश पुदीने की चटनी के साथ। पुदीना आपको पता है कफ और वायु की, मतलब कि कफ की बेहतरीन दवाई है कि जो आपके गले को ठीक कर पाएगी, और बेसन का चीला जो है वो आपको बहुत अच्छा न्यूट्रिशनल ब्रेकफास्ट है। सबसे पहला ब्रेकफास्ट का ऑप्शन है बेसन का चीला पुदीना की चटनी के साथ। दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मल्टी वेज दलिया गेहूं से बना हुआ। गेहूं से बना हुआ आप वेजिटेबल दलिया भी सुबह में खा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है आप मूंग दाल या तो रागी का डोसा बना के उसको चटनी के साथ खा सकते हैं। मूंग दाल का डोसा भी आप बना सकते हैं, यानी जिसको हम चिल्ला कहते हैं या जिसको हम पुडला कहते हैं, पूड़ा कह सकते हैं, वैसा आप मूंग दाल का चिल्ला या रागी का डोसा बना के चटनी के साथ सुबह में ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। या आप होममेड मसाला ओट्स भी बना के ले सकते हैं। 40 ग्राम्स ओट्स लेना है, उसमें हम हमारे जो किचन में पाए जाने वाले मसाले हैं जिसमें आप सिंधा नमक, जीरा है, हल्दी है, अदरक है, धनिया है, ये सब मसाला, और उसमें आप कुछ वेजिटेबल्स डाल के आप होममेड मसाला ओट्स भी बना के खा सकते हैं। उसके अलावा मूंग का जो स्प्राउट्स है वो भी आप खा सकते हैं। मूंग का आप स्प्राउट्स करके उसको बॉईल कर दीजिए, उसमें आप जिंजर है, क्यूमिन सीड्स है, ब्लैक पेपर्स और नींबू डाल के खाएं, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्ट भी करेगा और आपको कोविड इन्फेक्शन को ठीक करने में बहुत अच्छा हेल्प करेगा। उसके अलावा जो भी ब्रेकफास्ट हम करेंगे उसमें 1 से 2 चम्मच गाय के घी का टॉपिंग हम ऊपर से करेंगे, ताकि गाय का घी जो है ये बहुत बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है जिसकी वजह से हमारा मील अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएगा और हम अच्छे से रिकवर हो पाएंगे। उसके अलावा दोस्तों कुछ चीजें हमें बिल्कुल अवॉइड करनी, जैसे मैंने आपको मूंग का स्प्राउट बताया है, उसके अलावा के जितने भी स्प्राउट्स होते हैं, जितने भी बीन्स होते हैं, उनके स्प्राउट्स हमको नहीं लेने। मूंग का ही स्प्राउट्स जो है वो इजीली डाइजेस्ट हो सकता है, इसीलिए कोविड में हमारी जो डाइजेशन कैपेसिटी है, हमारी पाचन शक्ति है, वो कमजोर होती है, इसीलिए हमें ये ध्यान
रखना है कि हैवी टू डाइजेस्ट चीजें हम बिल्कुल ना खाएं। तो हमें दूसरे कोई भी बीन्स के स्प्राउट्स नहीं खाने हैं, सिर्फ मूंग का स्प्राउट खाने के लिए यूज करना है। उसके अलावा उसके बाद आपको क्या करना है, आप कुछ भी कोई भी ब्रेकफास्ट बनाएं उसमें आपको जिंजर, ब्लैक पेपर और क्यूमिन सीड और लेमन, इसका आपको इस्तेमाल जरूर से करना है ताकि आपका खाना जो है वो अच्छा टेस्टी बन जाए और आपको पचने में भी इजी हो जाए। आपको ये याद रखना है कि हमें कोई भी मिल्क प्रोडक्ट, कर्ड, बटर, छाछ ये बिल्कुल भी नहीं रखना है। फिर से कह देता हूँ फ्रेंड्स, हमें कोई भी मिल्क प्रोडक्ट, कर्ड, बटर, छाछ ये बिल्कुल भी नहीं लेना है। उसका ब्रेकफास्ट जो है, यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट फिनिश होता है। ब्रेकफास्ट के एक से डेढ़ घंटे के बाद आपको गर्म पानी का एक ग्लास घुट घुट करके पीना है। गर्म पानी का एक ग्लास हमें घुट घुट करके पीने से जो हमने एक से डेढ़ घंटे पहले ब्रेकफास्ट किया है वो अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाएगा। दूसरा, जो गले में जो म्यूकस बन रहा है, जो कफ बन रहा है, वो भी इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। दो खाने के बीच में जो बिटवीन मील है उसमें हम फ्रेश सीजनल फ्रूट्स ले सकते हैं। जैसे कि हमने ब्रेकफास्ट किया, उसके दो घंटे के बाद अगर हमें भूख लगती है तो दो खाने के बीच में हम फ्रेश सीजनल फ्रूट्स ले सकते हैं। फ्रेश सीजनल फ्रूट्स में सबसे बढ़िया हमारे लिए पोमेग्रेनेट है। पोमेग्रेनेट मतलब अनार होता है, अनार खा सकते हैं। आप फ्रेश मैंगो भी खा सकते हैं, राइप मैंगो खा सकते हैं। उसके अलावा आप पीच भी खा सकते हैं। अगर ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो हम अंजीर खा सकते हैं या खजूर का भी सेवन कर सकते हैं। कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको हमें बिल्कुल ही अवॉइड करना है। अवॉइड करने वाले फ्रूट्स में बनाना है, वाटरमेलन है, प्लम्स है और शुगर केन जूस, ये चीजों को हमें बिल्कुल भी नहीं खाना है। कोकोनट वाटर हम ले सकते हैं लेकिन कोकोनट वाटर की जो मलाई है उसको हमें अवॉइड करना है। तो दोस्तों, ये हमारा बिटवीन मील हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हमारे सेकंड मेन मील। हमारा सेकंड मेन मील जो है वो लंच है। लंच में हमें फ्रेंड्स मिस्सी रोटी खानी है। मिस्सी रोटी जो है वो गेहूं और बेसन को एक साथ पीस के उसके आटे से बनती है। मिस्सी रोटी के साथ आप लौकी है, तुरई, परवल, पम्पकिन, टिंडा और उसमें आप बीट, कैप्सिकम, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कोई भी खा सकते हैं, मूंग की दाल, ये सब चीजों का सेवन आप कर सकते हैं। हो सके तो आप ये सारी सब्जियों में से कोई भी एक सब्जी को एक चम्मच गाय के घी में बना के खाएं। अगर गाय के घी में अच्छा नहीं लगता है तो आप तेल में भी बना के खा सकते हैं, ऊपर से एक चम्मच गाय का घी का टॉपिंग आप कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा ब्रेकफास्ट के जो मैंने आपको ऑप्शंस बताए थे उसमें से कोई भी ऑप्शंस भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कुछ चीजों को हमें लंच में बिल्कुल ही अवॉइड करना है जो हैवी टू डाइजेस्ट है, जैसे कि सोयाबीन है, फिर आलू है, उसके अलावा उड़द की दाल है, किडनी बीन्स है, जो हार्ड टू डाइजेस्ट है उसको हमें बिल्कुल ही अवॉइड करना है। अब लंच करने के एक से डेढ़ घंटे के बाद अगेन हमें एक ग्लास हॉट वाटर पीना है। वो हॉट वाटर हमारे खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करेगा और गले में बनने वाले, पेट में बनने वाले एक्स्ट्रा म्यूकस यानी कफ को डाइजेस्ट कर देगा। उसके बाद दोस्तों, 4 बजे का हमारा इवनिंग स्नैक्स का टाइम आता है। इवनिंग स्नैक्स के टाइम पे हम भुना हुआ चना एक मुट्ठी और उसके साथ 4 खजूर, ये एक बेहतरीन इवनिंग स्नैक्स है। उसके साथ आप जिंजर की टी बना के पी सकते हैं, अदरक वाली चाय पी सकते हैं। ये एक ऑप्शन है हमारा इवनिंग स्नैक्स का। इवनिंग स्नैक्स में हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, हम एक छोटी कटोरी बॉयल चना भी खा सकते हैं। और एक तीसरा ऑप्शन हमारे पास इवनिंग स्नैक्स में रहेगा कि हम आधी एक चम्मच मूंग की दाल लेंगे, उसको पानी में डाल के उसको उबाल के उसमें हम जिंजर है और उसके साथ साथ कुछ स्पाइसेस जैसे कि क्यूमिन सीड्स हैं, ब्लैक पेपर, नींबू डाल के उसका हम सूप बना के भी पी सकते हैं। तो ये हमारा इवनिंग स्नैक्स रहेगा। उसके बाद दोस्तों, हमारा लास्ट मील है, हमारा थर्ड मील है, वो डिनर रहेगा। डिनर याद रखिए कि डिनर हमको जल्दी खा लेना है, डिनर हमको 7 बजे तक खा लेना है, सूर्यास्त के वक्त खा लेना है, क्योंकि हमारा डाइजेशन इसमें वीक होता है। तो हम सूर्यास्त के वक्त खा लेंगे तो खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा और ये बूस्ट हुआ हुआ इम्यून सिस्टम हमें हमारी बॉडी को जल्द से जल्द रिकवर होने में हेल्प करेगा। तो दोस्तों, हमारे जो डिनर है उसके ऑप्शंस में आपको बता देता हूँ। डिनर में हम चना सूप ले सकते हैं, लौकी का सूप ले सकते हैं, टोमेटो सूप विद रोस्टेड मखाना। अगर ज्यादा भूख लगी है तो एक बाउल टोमेटो सूप रोस्टेड मखाना के साथ हम ले सकते हैं। उसके अलावा हम मिक्स वेजिटेबल सूप भी ले सकते हैं। उसके अलावा हम बेहतरीन ऑप्शन है मूंग दाल की खिचड़ी, एक चम्मच गाय का घी डाल के हम ले सकते हैं। उसके अलावा हम बेसन का सीरा बना के भी खा सकते हैं और वेजिटेबल दलिया भी खा सकते हैं। तो ये कुछ बेहतरीन मैंने आपको डिनर के भी ऑप्शन बताए, इसमें से कोई भी एक चीज का सेवन आप डिनर में कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें डिनर में बिल्कुल नहीं खानी है, जैसे कि फ्रूट्स हमें बिल्कुल नहीं खाने हैं, रॉ वेजिटेबल सैलेड्स हमें डिनर में नहीं खाने हैं, कोई भी फ्रेश जूसेस, फ्रूट जूस हमें नहीं खाने हैं, कोकोनट वाटर नहीं लेना है, हमें प्लेन राइस, ओट्स और साबूदाना, ये चीजें भी डिनर में अवॉइड करनी है फ्रेंड्स।
कुछ ऐसी चीजें हैं फ्रेंड्स जिनको हमें कम्प्लीटली अवॉइड करना है, जैसे कि नॉनवेज फूड को हमें अवॉइड करना है, दूसरा हमें रिफाइंड शुगर को अवॉइड करना है, पैकेज फूड को अवॉइड करना है, फ्राइड फूड को अवॉइड करना है, रेफ्रिजरेटेड फूड को हमें बिल्कुल अवॉइड करना है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमको बिल्कुल ही अवॉइड करना है। और दोस्तों रात को सोते वक्त बिफोर बेड टाइम अगर आपको भूख लगी है तो आप रात को 9 बजे के करीब गोल्डन मिल्क ले सकते हैं। गोल्डन मिल्क मतलब एक ग्लास दूध में हमें थोड़ा सा हल्दी डालना है, कार्डेमन डालना है, सिनेमन डालना है, क्लोव डालना है और एक ब्लैक पेपर डालना है। उसके बाद उस दूध को थोड़ा सा उबाल के फिर उसको स्ट्रेन करके छान के एक ग्लास गोल्डन मिल्क हम पी सकते हैं। और 10 बजे तक हम सो जाएं और लेट नाइट क्रेविंग्स को हम बिल्कुल अवॉइड करें, रात को खाना हम बिल्कुल ही अवॉइड करें फ्रेंड्स। तो ये मैंने आपको बताया दोस्तों पोस्ट कोविड डाइट चार्ट। जिन लोगों को कोविड इन्फेक्शन हुआ है वो ड्यूरिंग कोविड टाइम भी इसे फॉलो कर सकते हैं, और पोस्ट कोविड इन्फेक्शन से जल्द ठीक होने के लिए हम ये पोस्ट कोविड डाइट चार्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्त आज का वीडियो हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। दोस्तों आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल डॉक्टर दलाल आयुर्वेदा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द से मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।